नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों, बसंत पुस्तक के अंतर्गत पाठ 2 दादी माँ कहानी का प्रथम भाग आपने पहली वीडियो में पढ़ा। आज हम इस कहानी का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। द्वितीय भाग आरंभ करने से पूर्व मैं आपको इस कहानी का पूर्वांश बता देती हूँ, ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आ जाए। यह कहानी लेखक और उनकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता स्नेह दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित करती है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। वह बाहर से जितनी कठोर स्वभाव की थी, अंदर से उतनी ही परोपकारी और सदैव दूसरों की मदद करने वाली थी। लेखक को सदैव अपनी दादी माँ की याद आती रहती थी और उनकी पुरानी बातों को हमेशा वो याद रखते थे। तो चलिए आरंभ करते हैं कहानी का द्वितीय भाग। लेखक क्वार के वे दिन याद करता है। अब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गए थे। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती, पंखा झलती, लेप करती, बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता तो वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। लेखक उनका लाड़ा था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। दादी जी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपये खर्च कर दिए थे। इस कठिन परिस्थिति में उनका साथ उनकी दादी जी ने दिया। वह घर के सभी खर्च चलाती थी और देखभाल करती थी। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसे झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी की धोती, सर से सफ़ेद बालों के सिरों पर टपके हुए जल की शीतलता, हंडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई थी, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती रहती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसको पास पहुँचाती और वहाँ भी वही काम करती, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। महामारी और विषोचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती तो मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। दादी माँ को सफाई का बहुत शौक था और वो घर में हमेशा साफ सफाई रखती थी। एक दिन जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई तो लेखक रोने लग गए। तो दादी माँ ने कहा, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती,
माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की सीत में शाम को मैंने देखा, दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। मालकिन रानी की चाची रोती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रश्न को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल चला है समझाने मुझे। ये बात दादी ने लेखक से कहा। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। यह घटनाएं दादी के कठोर अनुशासन के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूट के पैसों के लिए रामे की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी, उसकी बेटी की शादी थी पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही न थी। लेखक से यह सब देखा न गया तो वह वहाँ से खिसक लिए। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बना। यूं वह कोई काम न करती लेकिन किसी काम में उनका अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। लेखक को जब तक अपने गांव की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर पल हर लम्हा याद आने लगा। दादी माँ, क्योंकि दादी माँ की मृत्यु हो गई थी इसलिए इसलिए लेखक के मन में आज आंसू आए हुए थे। उन्होंने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थितियों को संभाला था। ये बात यहाँ पर लेखक की दादी माँ के लिए हो रही है। उनकी ममता की छाया में लेखक को कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ। लेखक के बीमार पड़ने पर दादी माँ उनके साथ रहती और उनकी देखभाल करती थी। दादी माँ का प्रेमिल और स्नेही स्पर्श लेखक को आराम देता था। उनकी दादी माँ आज उनके साथ नहीं थी परंतु उनकी यादें लेखक के साथ सदैव रहती है। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी वह उन्हें कभी भुला नहीं पाए थे। लेखक शिव प्रसाद जी ने इस कहानी संस्मरण के माध्यम से बड़ों के महत्व को उजागर किया है तथा हम सब के जीवन में बड़ों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बड़ों की छाया में रहकर हम अपने जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी डटकर सामना कर सकते हैं। बच्चों, पाठ को दादी माँ का शीर्षक दिया गया है तो क्या यह उचित है या नहीं? इस पाठ में दादी माँ के बारे में ही बताया गया है। लेखक के बचपन में दादी के साथ बिताए गए प्रत्येक क्षणों को, दादी माँ के परोपकारी स्वभाव को व दादी माँ का प्रेरणा देने वाले स्वभाव को बताया गया है, इसलिए पाठ को यह शीर्षक देना उचित है। अंत में दादी माँ पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दुख व मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए तथा बड़ों की सीख सदैव महत्वपूर्ण होती है। दादी माँ का व्यवहार हमें सदैव दूसरों की मदद करने की सीख देता है और इस पाठ से यह भी संदेश मिलता है कि हमें सदैव सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जितना हमारे पास धन हो उसके अनुरूप ही पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए धन खर्च करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको यह कहानी समझ आ गई होगी।
धन्यवाद।